किसी ने मुझसे पूछा मोटिवेशनल स्टोरी क्यों सुननी चाहिए, तो मैंने जवाब दिया मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए सुननी चाहिए ताकि हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेशनल स्टोरियाँ सुननी चाहिए और हर दिन सुननी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। तो चलिए बिना समय गवाए मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वो किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल गए थे, मगर अब हरीश थक चुका था, वो रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वो धीरे धीरे चलने लगा, मगर वो आगे जरूर बढ़ रहा था और वो बहुत ज्यादा थक चुका था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वो कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वो रेस पूरी कर गया। माना कि वो रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी रेस को पूरा ही नहीं किया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज वो हार कर भी जीत चुका था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और 10 घंटे की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक न एक दिन हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको काफी सारी स्टोरीज यहाँ पर सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपके लिए लाभदायक साबित होंगी।